अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ यू एम। आज मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ ख़ुद को रमज़ान के लिए। रमज़ान आ गया है इधर भी US में, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल है इंशाल्लाह आज पहला रोज़ा होगा, और मैं बस तैयार हो रहा था तो मैंने कहा आप लोगों को भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस करवा दूँ कि यार कि रमज़ान यहाँ पे कैसा होता है। तो अभी बस ऑलमोस्ट आई एम रेडी, थोड़ा सा जो है मैं अपने आप को थोड़ा ये सेंड लगा दूँ। तो आज मैं आपको लेके जाऊँगा हुदा सेंटर में। ये एक्चुअली दो बड़ी कम्युनिटी है जहाँ पे अभी जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। एक हुदा सेंटर है और एक ICG है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। और हम आज हुदा सेंटर जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या एनवायरनमेंट है, कैसे तरावी का अरेंजमेंट है। उन्होंने बच्चों के लिए अलहदा से और चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं, और बहुत ही पीसफुल जगह है, और होपफुली यू विल इंजॉय इट। ओके, लेट्स गो। अभी मैं घर से बाहर निकला हूँ तो अंधेरा है, ऑफ़ कोर्स अंधेरा होना ही चाहिए, ईशा का टाइम है। तो खैर स्ट्रीट लाइट तो है, आई थिंक लाइट इतनी थोड़ी सी कम है। तो बहरहाल चलते हैं फिर अभी। तो मैं अभी निकला हूँ तो सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। सुभान अल्लाह जी सखरना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। और अभी लोग नहीं हैं, काफ़ी पीसफुल है, और यहाँ से है 15 मिनट्स की ड्राइव है। तो इंशाल्लाह ताला फिर वहाँ पे जाके फिर मैं आपको थोड़ा सा मस्जिद का ओवरव्यू करवाऊँगा, और अंदर से मैं आपको सेटिंग वगैरह भी दिखाऊँगा। उन्होंने एक छोटा सा किचन भी बनाया हुआ है तो वो भी फिर मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। तो अभी ऐसा कि तलावत सुनते हैं क्योंकि 10-15 मिनट हैं, काफ़ी टाइम लग जाएगा जाते जाते। तो अच्छा ही है कि चलो इसी बहाने कोई नेकियाँ 2-4 मिल जाएँ। तो लेट्स प्ले। बहुत अच्छा व्यू है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो जो निहायत मेहरबान है। उसी ने कुरान की तालीम फरमाई। उसी ने इंसान को पैदा किया। तो तुम सो वी आर ऑलमोस्ट हियर। कौन कौन सी नेमत को छुपाओगे? अजान भी हो गई है और अभी आप देख रहे हैं लोग मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, कुछ फैमिलीज भी आई हुई हैं। और मैं यहाँ पे कार पार्क करता हूँ अभी। आई थिंक अभी इतने लोग नहीं हैं, बट सून इंशाल्लाह और भी लोग आ जाएंगे। सो टेस्ट पार्क ही है। तो गाइस हम हुदा सेंटर आ गए और पार्किंग मैंने आपको दिखा दी है। पार्किंग है, काफ़ी स्पेस है, और ये मस्जिद की बिल्डिंग है। और मैं अभी आपको साथ लेके जाऊंगा, अंदर दिखाऊंगा। बहुत ही पीसफुल है, आई रियली लव इट। ये इनका किचन है और ये थोड़ा सा इनका रेस्टोरेंट स्टाइल है। अच्छा, ये शुरैक है और यहाँ से एंट्रेंस है, और आप देखेंगे नमाजी बैठे हुए हैं काफ़ी। कुछ लोग नमाज़ पढ़ भी रहे हैं, और अभी आई थिंक इमाम साहब नहीं आए। और ऊपर जो सारा पोर्शन है वो बेसिकली लेडीज़ के लिए है। ये अभी वाटर लेके जा रहे हैं मस्जिद में लोगों के लिए ताकि वो पिए। और ये इन्होंने इसके लिए बनाई है जगह अफ्तारी के लिए। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो कल इफ्तारी होगी इंशाल्लाह, और अभी इन्होंने क्लोज किया हुआ, बट सम हाउ दिस इज़ द प्लेस। कल मैं आपको इफ्तारी का भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। सो दिस इज़ फॉर टुडे। अपना ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।